पापा, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ लक्की से शादी की है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। पापा, मैं लक्की से प्यार करती हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है, हमें अब खुशी खुशी जिंदगी जीने दें। वीडियो में अपने पिता से गुहार लगा रही लड़की का नाम कनिका सोनी है, राजस्थान के हनुमानगढ़ की रहने वाली है। इस वक्त वह अपने पति के साथ बिहार के हाजीपुर में है। कनिका को अपने घर के पास ही एक जिम के ट्रेनर लकी के साथ प्यार हो गया। जब घर वालों को पता चला तो सभी नाराज हो गए। घर वालों की परवाह ना करते हुए बीते 14 सितंबर को लकी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मंदिर में भी दोनों ने शादी की। घर वालों ने लड़के पर अपहरण का केस कर दिया। इससे दोनों भागकर बिहार के हाजीपुर लकी के घर आ गए, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। राजस्थान पुलिस हाजीपुर पहुंचकर कई जगहों पर छापेमारी की। इन सब से परेशान होने के बाद दोनों ने सरेंडर करने का मन बना लिया। आत्मसमर्पण करने से पहले कनिका ने अपने पति लकी के साथ एक वीडियो जारी किया है। पापा, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ लकी से शादी की है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। नियालचंद मेघवाल जो कि सांसद हैं, वो अपनी पॉलिटिशियन पावर यूज़ करके हमें टॉर्चर आप करवा रहे हो। पापा प्लीज़ ये बंद कर दो। और जो पुलिस हमें हर जगह टॉर्चर किए जा रही है, हर जगह ढूंढे जा रही है, इसे बंद करवा दो पापा प्लीज़। हमने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है, हम छिप छिप कर रह रहे हैं। प्लीज़ पापा इसे बंद कर दो और मुझे लकी के साथ मेरी लाइफ सेट करने दो। जो आप मेरे को 10 दिन से घर में टॉर्चर किए जा रहे थे, बंद कर दिया था एक कमरे में, आप मेरी हर कोई भी लड़के से शादी करवा रहे थे, मेरे को मेरे लकी के साथ रहना है। वीडियो अब वायरल हो चुका है, जिसमें कनिका का कहना है कि वह राजस्थान के गंगानगर से बीजेपी सांसद निहालचंद मेघवाल की बहन है और उसके पिता सांसद की पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर पुलिस से उसे परेशान करवा रहे हैं। लड़की ने अपने घर वालों पर यह भी आरोप लगाया कि पिता ने घर पर भी काफी टॉर्चर किया है। कनिका और लकी ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। चूंकि लड़की बालिग है, उसने राजस्थान और हाजीपुर पुलिस के सामने बयान दिया है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। इस कारण राजस्थान पुलिस मामले का सत्यापन कर वापस लौट गई। एक कल जो है नगर थाने में जो प्रेमी प्रेम का जो सरेंडर किया, वो किस तरह का मामला है सर? राजस्थान के पुलिस एक लड़की का अपहरण का मामला में सत्यापन के लिए आई थी, जांच के लिए आई थी, और वो आए थे अपना केस में जांच करके और चली गई। तो वो अपने आप को जो है सांसद का बहन बता रही है? अभी तो डिटेल वही लोग बताएंगे, अनुसंधान के बाद, बेहतर अनुसंधान के बाद तो राजस्थान पुलिस ही बता सकते हैं उसमें क्या है। उन लोग आए थे सत्यापन के थे, लड़का लोग आए थे, अभियान लिया, उसके बाद चले गए। लड़की को यहीं छोड़ दिया गया? हाँ, उन लोग लेने गए हैं, सत्यापन करके चले गए।